तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहा है शाम का 5 और हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, ये बीकानेर वाला है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी निकले हैं नोएडा से, सॉरी गाजियाबाद से, और जा रहे हैं लखनऊ कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखने। पीयूष भी हमारे साथ में, ऋषि है और दो बालक और हैं हमारे। ये तो फ़ोन में ही लगा रहता है, ट्रेडर ऑडियंस को हाय बोल दे। कैसे हो आप लोग? ये मेरे हर पहचान लिया ना? हाँ, ये हर व्लॉग में मिलेगा, मेरे हर व्लॉग में आप। ये वायरल होगा इस बार ये वायरल होना है। बहुत बहुत, बहुत ज्यादा वायरल कर देना भाई आप लोग। थोड़ा सा उसकी टी शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है। और ये एनिमी बैठा है, मतलब ऋषि भाई बैठा है, और इधर दो बच्चे और बैठे हैं, ये रोहित भाई, साधना, इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है जी। तो अपडेट ये है, आगरा एक्सप्रेसवे पे हम लोग आ चुके हैं और आगरा विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। सामने लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, मैं वहाँ बाथरूम करने गया। हाँ, क्या हुआ? मैंने पुलिस वाले से पूछ लिया, मैंने कहा भैया यहाँ बाथरूम कर ले। मैंने कहा सर यहाँ बाथरूम कर सकते हैं? तो कह रहा मुझे क्या पता। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा भाई मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे आप लोग हो तो क्या दिक्कत है? कह रहा ये कोई तरीका बात करने का, अरे मैं बाथरूम में लगता हूँ। मैंने कहा भैया और ये आगरा का एक्सप्रेस वे है और बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बना है भाई, अभी हम आपको दिखाएंगे। और हम लोग जो है अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो लगभग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तकरीबन 300 किलोमीटर बचा है। तो आगरा का ताजमहल को मेरा सलाम रहेगा। सामने की तरफ ताजमहल है, यहाँ से काफ़ी दूर है क्योंकि रिंग रोड है ये। जुलाई में आया था मैं आगरा, आपने देखी होगी वीडियो। तो खैर अभी चलते हैं, इस गाड़ी को हम लोग कर रहे हैं ठंडा और हम भी कुछ पियेंगे ठंडा, फिर मिलेंगे आपसे आगे। जी हाँ, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब लखनऊ और ये आप देखें मेरे पीछे रूमी दरवाज़ा। और अभी हम लोग कर रहे हैं नाइट आउट रात में। हाय ब्रो, हम लोग अभी लखनऊ में हैं और अभी पीयूष व्लॉग शूट कर रहा है अपना, रूमी दरवाज़ा मेरे पीछे। और अभी रात का बज रहा है 1 और हम लोग नाइट आउट पे निकले हैं। हमारे साथ हैं आज अमन भैया, पीयूष, ऋषि और रोहित भाई। तो अभी हम लोगों ने मस्त चिकन विकन खाया अमन भैया के घर पे और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। हालांकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कल है मैच, अब देखते हैं कि अगर बारिश होगी तो मैच तो भाई कैंसिल हो ही जाना है। तो फिलहाल तो कल हम फिर लखनऊ ही घूम पाएंगे, जो लूलू मॉल वगैरह है वो सब देखेंगे। और अभी हम लोग तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे, बस लाइट लाइट वाइट एकदम मस्त है। और आए हैं अभी यहाँ पे और तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। और वैसे तो मैं आ चुका हूँ लखनऊ में, कई बार आया हूँ, बस व्लॉग मैंने कभी भी लखनऊ का बनाया नहीं है। और जो जो भाई यहाँ पे आ चुका है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। और बाकी मैं अभी अपडेट देता हूँ कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो अभी हम लोग आए हुए हैं रिवर फ्रंट पे और ये गोमती नगर का जो पुल है, पीछे मेरे गोमती नदी है आप देख सकते होंगे, और बहुत सारा पॉल्यूशन है इसके नीचे, सब झाग भाग जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है रात में। और अभी जो टाइम हो रहा है भाई, कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है अभी। तो हमें लगभग घूमते घूमते 1.5 घंटा हुआ है, 12:15 के आसपास हम निकले थे। पूरा लखनऊ हमने अभी घूम रखा है, पूरा लखनऊ घूम लिया भाई। और लेकिन भाई अगर मैच का देखते हैं फिलहाल तो, अरे होगा मैच, हम करा लेंगे। तो भाई इतने बड़े फैन हैं कि हम लोग रात में यहाँ गए स्टेडियम। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकाना स्टेडियम है। और ये भाई बोल तो रहे हैं कि मैच होगा, ये गार्ड हैं यहाँ पे स्टेडियम के, तो बोल रहे हैं कि मैच होगा, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाती तो भाई मैच कैंसिल भी हो सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एकाना स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये लखनऊ का है। तो अभी क्या कर सकते हैं भाई, बस यही दुआ मनाओ कि कल बारिश ना हो और हम कल का मैच इस वाले स्टेडियम में एंजॉय कर सकें। भाई रात का बज गया है अभी, सॉरी रात का नहीं बल्कि सुबह का 4 बज गया है और हमें फाइनली हमारा रूम मिल गया है। और हमने यहाँ पे भी चेक इन किया है, अभी हमने पूरा भाई लखनऊ घूम लिया है और स्टेडियम स्टेडियम सब देख लिया, पूरा लखनऊ देख लिया। और अगर कल बारिश नहीं होती तो हम मैच देखने जाएंगे, अभी तक तो यही अपडेट है। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं कन्ना स्टेडियम, आप मेरे पीछे देखें, और टिकट विकेट हमने सब ले लिया है। हमारे रेहान भाई भी मिल चुके हैं और अभी बस टॉस होने वाला है, ओवर कम कर दिए हैं क्योंकि बारिश होने वाली है। और मेरा और ऋषि का सेम टिकट है भाई, ब्लॉक 4, और अभी शायद ओवर कम हो गया ना, टॉस हो गया, आवाज़ सुनिए आप अगर आपको आ रही हो, और टॉस शायद हो चुका है और हमें नहीं मालूम, बाकी अभी अपडेट अंदर जाकर आपको देते हैं, ठीक है ना। चलो फिर हो रही है भाई हमारी चेकिंग, ये चेकिंग हो गई भाई हमारी, और 40 ओवरों का मैच है, ठीक है। तो 10 ओवर कम हुए हैं दोनों टीमों के, मतलब 10 ओवर कम हुए हैं और 80 ओवर हमें टोटल देखने को मिलेंगे। ऋषि कहाँ गया? ऋषि
80 ओवर में देखने के लिए मिलेंगे। पैंट उतार के अगले मैच से आएंगे भाई। कैमरा उमरा कुछ अलाउ नहीं है, ना पावर बैंक कुछ नहीं, फोन से ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। निकल चड्डी बनियान दो जोड़ी लेके आयो बस मैच। हाँ बस भाई चड्डी में बनियान में ही आना साले। गाइस कुछ ऐसा है हमारे पीछे का मंचर और ये हम स्टेडियम में सामने प्लेयर कर रहे हैं भाई प्रैक्टिस। और ऋषि ओए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो 40 ओवरों का मैच है भाई, मैच को आप लोग एंजॉय करें और फिर देखते हैं वीडियो। तो भाई मैच हो चुका है स्टार्ट और भाई टीम आ गई है। द फील्डिंग टीम इंडिया। और मैच भाई स्टार्ट हो चुका है, 40 ओवरों का मैच है, टीम इंडिया पहुंच चुकी है फील्डिंग के लिए। आप पीछे देखें सामने भाई रिहान भाई भी हमारे मिल चुके हैं, ये और इधर ऋषि भाई और इधर टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका। और भाई मैच की पहली बॉल मोहम्मद सिराज बॉलिंग करा रहा भाई। को आपने बहुत अच्छी तरीके से लीव करी है पहली भाई। पहला विकेट हो चुका है यहाँ पे और डेविड मलान हो गया आउट। अभी चल रहा है भाई मस्त मैच। वीडियो और शॉट खेल दिया यहाँ पर भाई डेविड मलान ने। सॉरी डेविड मिलान नहीं, बबूमा ने बबूमा आउट नहीं हुआ, डेविड मिलान हुआ है। बबूमा तो खेल रहा है डीकॉक आउट, डीकॉक और हाँ भाई भाई विकेट हो चुका है यहाँ पर डीकॉक का 48 रन पे। आप देखें LBW आउट हुआ है और रिव्यू भी नहीं लिया, देखें आप बिल्कुल प्लम्ड है भाई। और आप देखें भाई डीकॉक चल दिए पवेलियन की ओर। अब शायद डेविड मिलर आएगा, ये देखो भाई बिल्कुल क्लियर आउट है। भाई थोड़ा नीचे आ चुके हैं और हमारे पीछे इधर शुभमन गिल और इधर कौन है यार अवेश खान, ये बॉल फेंक रहा भाई और सॉलिड डिफेंस। तो भाई अभी आपने देखा मैं था सबसे नीचे और अभी हैं हम सबसे ऊपर। और मैं नीचे से भी आपको दिखाया कैसा व्यू है और ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है भाई। और शोर बहुत है बहुत ज़्यादा। और ये हमारे कैमरामैन भाई जो आप टीवी में देख रहे हो भाई वो इन्हीं के माध्यम से देख रहे हो। और रोहित भाई कैसा लग रहा है आपको? तो भाई ऊपर से कुछ ऐसा नजारा है और नीचे से कुछ ऐसा कि बिल्कुल यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा भाई, एकदम क्लियर। जैसे तो ना मूवी हॉल में होता है कि आपको अगर सबसे ऊपर की सीट मिलती है तो आप बहुत अच्छा आपको व्यू मिलता है, सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा लेकिन आपको भाई ना कि समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। यहाँ से आपको एकदम एग्जैक्टली सारे प्लेयर्स की पोजिशन आपको देखने को मिलती है और बहुत शोर है भाई, बहुत शोर है। आप ब्लॉग में आगे बने रहो। इंडिया की भाई बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शिखर धवन और शुभमन गिल खेल रहे हैं और अभी मैं जरा रिफ्रेशमेंट लेने आया हूँ मैं यहाँ पे अभी। और इनिंग ब्रेक में भाई मैं अपडेट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि गाने वगैरह चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने इनिंग ब्रेक में दिया नहीं। तो अभी मैं आया हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे इंडिया की बैटिंग देखने अंदर। और बहुत बहुत मज़ा आ रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा। डिसीजन पेंडिंग हो गया भाई स्टंपिंग, पता नहीं आउट है नॉट आउट है, इधर देखते हैं। Satisfied, no bat involved. One more time, director. It's passing close to the one more time. Not out. Yay! निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए। अबे गिर क्यों रहा है? एक तो चौवा दे दे।
ले देख वहीं पे निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया बहुत बढ़िया संजू सैमसन भाई शार्दुल ठाकुर आउट हो गया बहुत अच्छा कैच पकड़ा यार सभी Congratulations to South Africa.